हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैम्पिंग। अभी रिसेंटली मैंने एक रॉयल एनफील्ड परचेज़ की है, क्लासिक 350। तो ये मुझे करीब 1.5 लाख 1.6 लाख की पड़ी है, जिसमें 3 इयर्स का जीरो डेप इंश्योरेंस इंक्लूड है ICICI लॉम्बार्ड की तरफ से। ये मैंने अमर ऑटो से लिए और मैस्को मोटर्स ये पड़पनगंज में है, तो वहाँ भी गया था। लेकिन मैंने एक कमी जो देखी वो मुझे लगी कि रॉयल एनफील्ड के जितने भी शोरूम्स हैं वहाँ पे कस्टमर्स के लिए कोई भी मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है और वो आपका रिस्पांस ही नहीं देते। सबसे बड़ी बात आप ये है कि आप 5,000 का मोबाइल भी लेने जाएंगे तो लोग आपको रिस्पांस देते हैं, दुकानदार चाहेगा कि उसकी चीज़ बिके। लेकिन रॉयल एनफील्ड वाले इतने जो सेल्समैन हैं इतने एरोगेंट हैं, इतने क्या बोलूँ, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप लें ना लें, क्योंकि इन्हें पता है कि आजकल रॉयल एनफील्ड चल रही है तो बिकनी तो आई। लेकिन ये गलत एटीट्यूड है। रॉयल एनफील्ड आपको पता ही है कि पहले काफ़ी डाउनफॉल हुआ था, अब फिर से थोड़ा इनकी सेल बढ़ी है, तो कंपनी को ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। सेल्समैन भी जो यहाँ पे हैं वो मतलब कोई ऐसा रिस्पॉन्स देते नहीं है। जब भी मैं 2 बार गया हूँ एस्को मोटर्स में भी और अमर ऑटोज में भी, तो सारे और मेरे फ्रेंड्स ने भी मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया कि कहीं भी आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। मतलब वो कस्टमर की प्रॉब्लम है कि उसे बाइक ख़रीदनी है। और जैसे आप शोरूम में जाते हैं कार के शोरूम में, तो आपको कोई पानी वानी के लिए पूछता है, या आपको कोई नहीं पूछेगा, आओ खुद उठा के पानी पीना है। और उनके पास टाइम ही नहीं है कि उनकी सेल इतनी है कि वो आपको टाइम दें। और अगर आप बुक करा लेते हैं इन केस, तो आपको बुकिंग आईडी तो मिल जाएगी और बाइक 2 महीने बाद देंगे आपको। अब पता नहीं है सच में बाइक 2 महीने बाद आती है या इनकी स्ट्रेटजी है, ये तो मुझे पता नहीं है। क्योंकि मैंने जो ट्विटर पे कुछ कंप्लेंट्स की थी तो मुझे बाइक इन्होंने थोड़ी जल्दी दे दी थी। मेरा फ्रेंड भी एक था तो मैंने उसे भी सजेस्ट किया, तो उसने भी जल्दी दी है। तो सारे शोरूम्स में लगभग यही है। हो सकता है कंपनी का जो आउटलेट है साकेत में, तो उसमें कुछ अलग रिस्पांस मिलता हो। तो दोस्तों, अगर आप ख़रीदने जाएं तो आपको ना कोई क्वालिटीज़ बताएगा क्या इसकी क्वालिटीज़ है, ना कोई कुछ बताएगा। आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको रॉयल एनफील्ड ख़रीदनी है नहीं ख़रीदनी है। तो आपने अपने कस्टमर जो अपने आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आप सजेशन ले सकते हैं। हाँ, बाइक तो बिल्कुल मस्त है, जिसने रॉयल एनफील्ड नहीं चलाई हो उसको तो अलग एक्सपीरियंस होगा ही होगा। तो मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब टू फोर डैम थिंग इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।